लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में ऊंचे पहाड़ पर स्थित माता बमलेश्वरी के मंदिर में नवरात्रि पर काफी भीड़ लग रही है। यहाँ दूर दराज से लोग माँ का आशीर्वाद लेने पहुँच रहे हैं। वैसे तो माँ के प्रति अटूट आस्था और बमलेश्वरी माँ के प्रताप से तो लोग भली भांति परिचित हैं, पर ये बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि मंदिर का करीब 2000 साल पुराने इस मंदिर के इतिहास में एक नर्तकी और संगीत प्रेमी के अधूरे प्यार की कहानी है। मंदिर की अधिष्ठात्री देवी माँ बगलामुखी हैं, जिन्हें माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। मंदिर की ख्याति देश विदेश तक है। माँ बमलेश्वरी देवी का इतिहास लगभग 2200 साल पुराना है। पहले इसे डोंगरगढ़ ही वैभवशाली कामाख्या नगरी कहलाती थी। मंदिर के इतिहास को लेकर कोई स्पष्ट तथ्य तो मौजूद नहीं है, लेकिन जो पुस्तकें और दस्तावेज सामने आए हैं उसके मुताबिक डोंगरगढ़ का इतिहास मध्य प्रदेश के उज्जैन से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि यहां उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य सुसाइड करने जा रहे थे, तब देवी माँ ने प्रकट होकर उन्हें रोका था। करीब 2.5 वर्ष पूर्व ये स्थान कामाख्या नगरी में था। यहाँ के राजा वीरसेन कोई पुत्र नहीं हुआ तो उन्होंने मां दुर्गा और शिव की उपासना की। मां दुर्गा और भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम मदनसेन रखा। राजा वीरसेन ने ची पहाड़ी पर मां बगलामुखी का मंदिर बनवा दिया। मंदिर तो राजा वीरसेन ने बनवा दिया, लेकिन एक प्रेम कहानी के चलते माँ यहाँ जागृत रूप में प्रतिष्ठित होगी। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पूरे मन से माँ की आराधना करने के बाद पुत्र रत्न की कामना करने वालों की इच्छा पूर्ण होती है। माँ बमलेश्वरी को मध्य प्रदेश के उज्जैनी के प्रतापी राजा विक्रमादित्य की कुल देवी भी कहा जाता है। इतिहासकारों और विद्वानों ने इस क्षेत्र को कलचूरी काल का पाया है। वर्ष 1964 में खैरागढ़ रियासत के भूतपूर्व नरेश राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह ने एक ट्रस्ट की स्थापना कर मंदिर का संचालन ट्रस्ट को सौंप दिया था।